आज गुरु नानक देव जी की 550वीं जयंती है, जिसे पूरे धूमधाम से देश और दुनिया में 550वें प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जा रहा है। इस मौके पर सुल्तानपुर लोधी स्थित ऐतिहासिक गुरुद्वारा बेर साहिब में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद समेत कई दिग्गजों ने देशवासियों को प्रकाश पर्व की शुभकामनाएं दी हैं। आज का दिन सिख धर्म के लिए विशेष महत्व वाला दिन है, क्योंकि आज सिख धर्म के पहले गुरु नानक देव जी की 550वीं जयंती है। गुरु नानक देव जी के जन्म दिवस को प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस दिन लाखों भक्तों की भीड़ सुल्तानपुर लोधी स्थित ऐतिहासिक गुरुद्वारा बेर साहिब पहुंचती है। नानक देव जी की जयंती को खास बनाने के लिए कई दिनों से तैयारियां की जा रही थी। प्रकाश पर्व इसलिए भी विशेष है क्योंकि ये समाज के हर व्यक्ति को साथ में लेकर चलने, भूखे को भोजन और परिश्रम के साथ ईमानदारी से जीवन व्यतीत करने का संदेश देता है। इस खास पर्व पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देशवासियों को बधाई देते हुए ट्वीट किया, गुरु नानक देव जी की 550वीं पावन जयंती के अवसर पर सभी देशवासियों, विशेषकर हमारे सिख समुदाय के भाइयों और बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं। आइए हम गुरु नानक देव जी के आदर्शों और शिक्षाओं को अपने जीवन में ढालकर करुणा, समता और परस्पर सौहार्द पर आधारित समाज बनाने का संकल्प लें। राष्ट्रपति के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करते हुए देशवासियों को प्रकाश पर्व की शुभकामनाएं दी। उन्होंने लिखा, आज श्री गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व पर मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं। ये श्री गुरु नानक देव जी के न्यायपूर्ण, समावेशी और सौहार्दपूर्ण समाज के सपने को पूरा करने के लिए खुद को फिर से समर्पित करने का दिन है। पीएम मोदी ने पंजाबी भाषा में भी शुभकामनाएं दी हैं। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर लिखा, सेवा से बड़ा कोई सौदा नहीं है। धर्म का मूल संदेश इंसानियत से प्रेम है। महिलाओं का सम्मान हमारा कर्तव्य है। जात पात, ऊंच नीच तोड़ो। पूरे विश्व में प्रकाश फैलाने वाली गुरु नानक देव जी की वाणी की आज हमारे देश को बहुत जरूरत है। आपको गुरु पर्व की शुभकामनाएं। आपको बता दें कि प्रकाश पर्व के मौके पर सभी गुरुद्वारों की रौनक काफी बढ़ गई है। सूरज की पहली किरण के साथ ही लोग इस पर्व को मनाने के लिए गुरुद्वारों में इकट्ठा हुए। हर साल की तरह इस साल भी प्रभात फेरी से इसकी शुरुआत की गई और भजन कीर्तन किए गए, साथ ही गुरुवाणी को अपने जीवन में उतारने की अपील भी की गई। डीबी लाइव की रिपोर्ट।